तो हो गए हैं तैयार और आज है हमारा चेकआउट का टाइम। बस ब्रेकफास्ट कर लिया, चेकआउट कर रहे हैं। यस अजीत क्या कर रहे हो आप? ये मेरे शूज गीले हो गए थे और 3-4 दिन ऐसे रखा है, फिर भी सूखे नहीं है बिल्कुल भी। सूखे नहीं है यार, क्यों नहीं बिल्कुल नहीं, सूखे? ये स्पॉन्ज तो है ना इसमें। फिर तो अभी इसका एक इलाज है, अगर अच्छा आपको गीले जूते नहीं पहनने हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं गीले जूते, तो मैं प्लास्टिक अब मुझे बांध कल ही मालूम पड़ी है ये खबर। क्या इनको दो चीजें जो है विच ही कैन नॉट स्टैंड, हाँ गीला जूता और गीले कपड़े। गीले कपड़े नहीं, गीले इनर वेयर। अच्छा चट्टी चलो बनियान जैसे चलो। हम लोग माता पिता भी बोलते हैं और मैं इनको नैकर। बोल रही हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं, इतने शादी के इतने साल हो गए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है मुझे। नहीं, गीले गीले जूते, गीले सॉक्स एक्चुअली, तो वो गीले जूते, तो इसके लिए ये ऐसा पहन के चल लेगा। चलो फिर जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, क्या पटाले पटा ले में, एक मिस कॉल से, पटाले मुझे मिस्ड कॉल से। बाय 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 रूम, बाय बाय। ओहो इसमें ऐसा फिसलेगा ना, ऐसा सुख अंदर ही, पर अंदर ही फिसलेगा ना, हाँ तो कंफर्टेबल होगा चलने में, थोड़ा सा रहता है अनकंफर्टेबल बट ठीक है। कौन कौन करता है कमेंट में ऐसे है? तो क्या करे, जूते गील तो क्या करे, यही कर सकते हैं ना जो। यस ये तो गीला सॉक्स ऐसा पीच पीच नहीं अच्छा लगता है, वो तो सॉक्स तो है ना आपके पास, सॉक्स है बट सॉक्स फिर बाद में गीला हो जाता है तो उल्टा वो और लेट सूखता है ओके इसके लिए। हाँ और ये है हमारा फेवरेट फेवरेट बैग, ये है ट्रैवोक का, और बताएंगे अजीत इसके बारे में। हम लोग हमेशा अभी लाइक जब से 2-3 बार से जा रहे हैं तो ये लेके जा रहे हैं। आपको इसके लिंक चाहिए तो मेंशन करिए कमेंट में, लिंक मिल जाएगी आपको। बताइए अजू। हाँ ये है 80 लीटर्स का ट्रैवल का, तो यहाँ पे आप शूज रख सकते हो, और ये सबसे बेस्ट बैग है। क्यों? क्योंकि है ना ये ऐसे पूरा ओपन हो जाता है यहाँ से, हाँ पूरा ओपन हो जाता है, ये पूरा जिप है ऐसा, और यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट्स है, अलग अलग जगहों पे सब कुछ रख सकते हो। जैसे यहाँ पे शूज है, यहाँ पे सब आपका टॉयलेटरीज और बाकी सब आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो इजी एक्सेस वाला है वहां पे रख सकते हैं, उसके अंदर भी है पॉकेट्स, और बहुत अच्छा है ना जो। यस और ट्रैकिंग के टाइम पे सबसे इजी आता है, बारिश के टाइम पे हम लोग गए हैं बारिश में, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें इसको यूज नहीं किया है। अभी जब ही आए थे तो एक भी कुछ भी कपड़ा कहाँ किधर भी हम लोग ने नहीं किया था। तो मेंशन करिए कमेंट में लिंक फॉर दिस लिंक ऑफ अमेजोन। तो ये है इसका साइज, अगर आपको देखना होगा बैक का साइज, इसका सपोर्ट बहुत अच्छा है, बैक सपोर्ट ना। हाँ और यहाँ पे क्या है पता ना, जो गरिमा ने मेरे को बताया, ये देखो यहाँ पे, हाँ मैंने रील में, रील में तो रील में हमेशा कुछ अच्छा चीज भी बताते हैं कभी कभी। तो YouTube में जो देख रहा है ये वीडियो, उनको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बैग की, एंड ऑल्सो ऑन द पिन कमेंट। ये कितना 2 या 3 दिन के लिए चल जाता है इसमें कपड़े? 3 दिन के कपड़े जो हम दोनों के, हाँ वो भी हम खाली दो है, जन गए, हाँ खाली तो वो भी कपड़े शू सब कुछ है। 6 दिन के लिए भी जाने का, 1 हफ्ते का कपड़े आराम से, एक जन का। हाँ चलो ले लेके फोटो। अच्छा फर्स्ट टाइम अजीत? यस ई रिक्शा, रिक्शा का वेट हो रहा है। आ रहे आ रहे, आज जो फोन दे दो मुझे। ऑटो में आ गए हम लोग, ये रही हमारी ऑटो। हाँ आराम से चलो भाई, फाइनली चार्जिंग स्टेशन किधर है? इधर या घर पे चार्ज करते हैं? घर पे अलाउड नहीं है, लेकिन देखा नहीं चार्ज करते हुए। अंदर है जो स्टैंड है ना, उसके बाजू में एक पॉइंट है। अच्छा उतर गए हम लोग, बस अभी हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं। कितना अच्छा लगा बैठ के रिक्शा में, फर्स्ट टाइम बैठे हम लोग। अजीत गए पार्किंग से कार ले आए, मैं वहां पर वेट कर रही थी, और
अब बस घर पहुंचना जल्दी जल्दी। और यहाँ का व्यू तो चेक कर भाई साहब, नहीं दिखाई देगा, ये बंद करो आप यार, यहाँ से दिखेगा, छोड़ो आप, बंद करो, नेट लगा के रखा है, कुछ दिखता नहीं है व्यू। जान दो, जो व्यू दिख के है ना हम माथेरन में वैसा ही व्यू है उससे थोड़ा सा कम अच्छा है, वहां पर तो बेस्ट व्यू था। तो यहाँ पर देखिए, अब बस जल्दी से घर पहुंचना है बच्चों के पास। हाँ। और मैं ऐसे इनको कल बोल रही थी कि यार थक थक गई, पाँव पूरे टूट रहे हैं, ये वेकेशन हमारा थकाने वाला वेकेशन था, अच्छा लगा हमको बट थकाने वाला वेकेशन था। तो इसकी थकान मिटाने के लिए हम लोग अभी एक और वेकेशन में जाएंगे दो दिन बाद। तो कहाँ जाएंगे बताऊंगी आपको बच्चों के साथ में, तब तक के लिए आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कैसा लगा हमारा ये आपको ट्रैवल का छोटा सा ब्लॉग, छोटा मोटा ट्रैवल जरूर बताना। और वहां पर माथेरन में जहाँ रुके थे हम लोग राधा कॉटेज, वहां पर एक कपल थे, तीन लोग थे मतलब, और वो कल काम कर रहे थे। तो आज हम जब उनको मिले तो उन्होंने बताया कि वो इंदौर से हैं, तो इंदौर से यहाँ पर लोग आए थे एंड वो 10 दिन के लिए आए, 10 डेज। तो मैं से 10 दिन के लिए माथेरन, बोले हाँ हम लोग आराम से रहेंगे। और वो बंदा जो है वो उसकी वाइफ बोली कि ये तो 60th टाइम आ चुका है, 60th मतलब कि 60। मैंने बोला उसकी आपकी उम्र, एंड ही वाज वेरी यंग, मैंने कहा बचपन से यहाँ पर ही आ रहे हैं रोज रोज। तो साल में वो आते ही है माथेरन। और ये जगह ऐसी ना राधा कॉटेज की, एक बार आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको फिर कहाँ और रुकने का मन ही नहीं करेगा, और हमेशा आपसे इधर घूमने का भी मन नहीं करता, ऐसा उधर बैठे रहो बस। मतलब हम लोग घूमे बहुत सारा, हम लोग घूम, मुझे बहुत मजा आया। मैं बारिश में फर्स्ट टाइम, मैं हम लोग जुलाई में आए थे लास्ट टाइम, तो बारिश नहीं हुई थी, अच्छा मौसम था, बट इस बार बारिश का मौसम था, पूरा फोगी फोगी, और बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम माथेरन घूमने का इस बारिश, अगर आप थोड़ा सा किचड़ विचर, थोड़ा सा वो जो टिक्स जो है अगर आप सहन कर सकते हो तो बारिश इज बेस्ट। और ये बात पे ये रहा आप लोगों के लिए व्यू। अब हम लोग कहाँ पर रुकने वाले नहीं है, ना कुछ खाने वाले, ना पीने वाले, कुछ नहीं करने वाले। जो पेट्रोल भरना है गाड़ी में, नहीं नहीं बस, अब सीधा जाएंगे हम लोग अपने घर पे। और ये जो थे ना जो लोग हमको दिखे थे मार्केट में चलते जा रहे थे, ये अब ये चल के जा रहे, इनको गिफ्ट दे हम लोग, प्रैक्टिस के लिए गए। हाँ अब बस हम लोग पहुंचेंगे घर पे और वहां पर आपसे करेंगे बात, मतलब घर पे पास में जब पहुंचने वाले होंगे या घर पहुंच के बच्चों का देखेंगे रिएक्शन, अगर बच्चे स्कूल से आगे होंगे। और फिर हम लोग बच गए मुंबई मेरी जान। और जैसे मैंने प्रॉमिस कहा था, मैं मुंबई पहुंच के घर के पास पहुंच के रिकॉर्डिंग करूंगी। और मैं क्या सोई हूँ, इतना सारा सोई मैं, मेरे बाल बाल मुझे बनाने हैं, ठीक करने। और मैं देख रहे थे कि कुछ ये आदमी ऐसा कैसा लेके जा रहा है कुछ ऐसा और इस पूरा सीट लिटा के मैं ना बच गया। मैंने गाने चालू रखे थे इसके लिए, इसके खराटे की आवाज नहीं आई ये मुझे बोले कि तुझे माथेरन से ज्यादा अच्छी नींद कार में आई कार में आई है। मैं कार में बैठ, हम लोग कार में बैठे, हम लोग बस, मैंने नीचे कार में बैठे, मैंने सीट नीचे की ऐसे सेट किया, विद इन 10 मिनट्स में सो गए है ना जो। yes. और फिर उठी वो 2 घंटे बाद 1:37 को ना जो 1:40 को उठी हूँ मैं, तो 3 घंटे का हमारा वो था ना। मैं बोला अटल सेतु आ रहा है। हाँ मुझे बोले अरे अटल सेतु ब्रिज आ रहा है, वीडियो बना ले, देख ले। हाँ हाँ उठी उठाना, फिर मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं बना रही हूँ फिर मैं बोलती अगर आपको बोर हो रहा है तो गाना लगा, मैंने उनको कहा था कि मैं जब सो जाऊंगी ना तो FM रेडियो बंद कर देना। फिर मैंने बोला कि अगर आपको बोर हो रहा है तो लगा लो FM चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो भाई ट्रैफिक तो देखो, ओहो इतना सिग्नल बड़ा पीछे तक जाम, अरे बाप रे पापा काम चल रहा है ना, ये जो है ना सिग्नल यहाँ पर पूरा, ओ माई गॉड अजीत पूरा no. मुंबई में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है यार, हम कहाँ से आ गए। अच्छा है हम फिर से कहाँ जा रहे घूमने के लिए, मैं तो ऑलरेडी मिस कर रही हूँ है ना अजीत। और मेरे को तो भूख भी लग रही है, मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मैं वहां से उसके वीडियोस देख देख के उसको भूख लग रहा है अच्छा तो हम लोग, मैं वीडियो डाला लंच का, मैंने अभी माथेरन का फर्स्ट डे का लंच का वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोग पहुंचे थे थकी हुई थी, मैंने एडिट किया पोस्ट किया। फिर उनको बोल रही हूँ अरे यार पूरन पूरी खाने का मन कर रहा है यार, खाना खाने का मन कर रहा है, और गरम गरम खाना यार। ये देखो फ्लैग्स 15 अगस्त है ना इसके लिए, अरे वाह अरे बहुत दिन बाद देखे ऐसे मैंने, तो ऐसे गाड़ी में
तो भूख लगी नहीं है, मुझे चाय पीनी है, मैंने आज चाय नहीं पीने उधर ब्रेकफास्ट में, चाय पीने का मन ही नहीं किया मुझे। मुझे क्या ना उठते उठते सुबह खाने का मन अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ब्रेकफास्ट जो खाया ना मैंने साले एक अभी खा लिया, मतलब आदत खाने के लिए खा लिया, तो मैं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसने अब भी छोड़ा है आदत या ऐसा कुछ है, इसको बचपन से ही सुबह सुबह खाने को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जो देख रहा होगा व्लॉग में लगा कि हाय राम कितना खाना खाना खा रहे हैं, कितने ब्रेकफास्ट खा रही, वो बोल रही मैं तो खा रही नहीं हूँ। थोड़ा सा उपमा खाया, थोड़ा सा एक दो एक पूरी खाई, दैट्स इट, मैंने ज्यादा खाया ही नहीं। क्या बोलते हो ना जो आप लोग दिखाते हैं ना रील्स में, क्या लोग अरे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भागो भागो दिखाने के लिए मैंने रील में लिया था ब्रेकफास्ट, आप लोगों को दिखाओ कि क्या है, बट मैंने ज्यादा खाया नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा ही लिया। बैग अनपैक कर दिया, कपड़े धो दिए, अब मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने। अजीत सो गए हैं और यस वी आर बैक टू मुंबई अपने बच्चों के पास। और काफी लोगों ने कमेंट में लिखा है कि बच्चों के बिना कैसे चलेगी घूमने, मतलब ठीक है यार, मतलब दो तीन दिन जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी, बच्चों की नानी, मासी यहाँ पर थी, एंड यस हमारा बहुत जल्दी आई थिंक दो दिन बाद हमारा नया वेकेशन प्लान है बच्चों के साथ में, तो बच्चों को लेके जाएंगे हम लोग, जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है उसमें कहाँ जाने वाले हैं आपको मालूम पड़ेगा। अब जाती हूँ चाय बनाने। जंगल में चले तो देखिए बहुत सारे बाइट हुए हैं, बग्स ने काटा है जंगल वाले, हमें सब जगह पर है। बच्चे ना बच्चों को लेके जाना, आई डोंट नो, मतलब इससे ही कपड़े धो दिए थे, कपड़े फैला भी दिए, अजीत गए थे अपने लिए कार्गो पैंट्स लेने के लिए नई वाली, बच्चे निष्ठा गई क्लास विदेश हो रहा है। अब यहाँ पर चाय रख रही हूँ, रात की खाने की तैयारी करूंगी, कल बाहर जाना है, कल कुछ काम से बाहर जाना है हम सबको, और वो जाऊंगी। और मेरा ना पीछे का पीठ इतना दुख रहा है, और मैंने दिखाया आपको मार्क्स, वो जो जंगल में वो कुछ तो थे या टिक्स थे, पता नहीं क्या थे, जो बारिश में काटते हैं, ठीक है।